तो आपको भी पता चल गया होगा कि आपका पेटीएम फास्टैग 15 मार्च के बाद बिल्कुल काम नहीं करेगा। अगर आपका फास्टैग पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने इशू किया है तो पहले पेटीएम पेमेंट बैंक ही फास्टैग इशू कर रहा था, तो आप न्यू फास्टैग अदर बैंक से ऑर्डर कर सकते हैं। अब कई लोगों को ये नहीं पता कि पेटीएम का फास्टैग क्लोज कैसे करना है, तो यहाँ हम देखेंगे कि पेटीएम का फास्टैग क्लोज कैसे करना है। सबसे पहले पेटीएम ऐप ओपन करें, लेफ्ट साइड में टॉप में प्रोफाइल पर टैप करें, नीचे स्क्रॉल करके हेल्प एंड सपोर्ट पर टैप करें, फास्टैग पर टैप करें। अब नीचे चैट विद अस पर टैप करना है। अब यहाँ आपको एक पर्सनल असिस्टेंट मिला है जो पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से मिला है, जिसका मतलब यह है कि आपका जो फास्टैग है वो भी पेटीएम पेमेंट बैंक का ही था। ऑप्शन चूज करें, आई वॉन्ट टू क्लोज माई फास्टैग। एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट करें जो है क्लोज फास्टैग। हम यहां व्हीकल नंबर चूज करेंगे, ऑप्शन चूज करें, प्रोसीड। क्लोज फास्टैग पर टैप करने से आपका फास्टैग विद इन 5 to 7 days क्लोज हो जाएगा, और जो भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है या बैलेंस है वो आपको विद इन 7 to 10 days रिफंड हो जाएगा। अब आपको फास्टैग रिमूव करना है और डिस्ट्रॉय करना है, और उसकी फोटो यहाँ आपको अपलोड करनी होगी। इसे आप बाद में भी कर सकते हैं, अभी विल डू इट लेटर पर टैप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ से निकल जाएं। यहाँ मैसेज शो हो रहा है क्लोजर इनिशिएटेड, जिसका मतलब है कि आपका क्लोजर प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब आप वेट कीजिए, आपको बैलेंस कब ट्रांसफर होगा। अब जैसे कि सब जगह खबर फैली हुई है कि पेटीएम बंद हो गया, पेटीएम बंद हो गया, तो आपको पता करना है कि पेटीएम के कौन कौन से सर्विसेज एक्टिव हैं और कौन कौन से सर्विसेज इनएक्टिव हैं, तो इस वीडियो पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।